हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अब हम आगे आते हैं बच्चों। तो हमें बच्चों ए प्लस बी वाले क्वेश्चन जो हैं ये करने हैं विद द डेरिवेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा डेरिवेशन देखेंगे हम कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है। मतलब अगर साइन ऑफ ए प्लस बी, मेरे कहने का मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब अगर दो एंगल लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो हम इन एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मतलब ये दो अलग अलग डिफरेंट एंगल हैं, ए अलग है और बी अलग है, क्लियर है क्या। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बच्चों। एक ट्रायंगल बच्चों कंस्ट्रक्ट करते हैं अपन, ठीक है। ए बी सी, सी से एक और बच्चों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया, ये हो गया डी पॉइंट और ये, ठीक है। सपोज बच्चों ये एंगल जो है अल्फा है और ये एंगल जो है बच्चों वो बीटा है। एक एंगल अल्फा है हमारे पास, दूसरा एंगल बीटा है, ठीक है। मैंने डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन लाइन ए बी, सपोज इसे डी ई बोल दिया मैंने। सी से ई बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसे मैंने बोल दिया एफ सी, क्लियर है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, और ये एंगल अगर अल्फा है बच्चों, तो ये 90 है, तो ये बच्चों एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये एंगल क्या हुआ, 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। ये एंगल भी क्या हो गया बच्चों, 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा और ये 90, तो ये वापस से क्या आ जाएगा, ठीक है क्या। तीनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, तो ये वापस से क्या आ जाएगा बच्चों, अल्फा एंगल आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। अब सपोज बच्चों हमें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आई एम गोइंग टू डराइव द एक्सप्रेशन फॉर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये एंगल बेटा अल्फा प्लस बीटा बन रहा है, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, देखो क्या है परपेंडिकुलर बच्चों, डी ई, और हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों, यही है बच्चों हमारे पास। परपेंडिकुलर हो गया डी और हाइपोटेन्यूस हो गया ए डी। अच्छा, डी को मैं ब्रेक कर सकता हूँ बच्चों, डी ई को मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ ई एफ प्लस एफ डी में, कोई दिक्कत किसी को। ई एफ प्लस एफ डी अपॉन ए डी, ठीक है। अब देखो बेटा, जो ई एफ की लेंथ है वही लेंथ बी सी की है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर होती हैं। तो ये जो ई बी ई एफ है, क्या मैं इसे बी सी लिख सकता हूँ, ठीक है। ई एफ की जगह बच्चों मैं लिख देता हूँ बी सी, बी सी अपॉन ए डी, ठीक है, प्लस एफ डी अपॉन ए डी, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, बी सी अपॉन ए डी हो गया और एफ डी अपॉन ए डी हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बी सी आ गया, मैं ए सी का यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ए सी का मल्टीप्लाई डिवाइड। पहले वाले पार्ट में क्या कर रहा हूँ, ए सी का मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, बी सी बाई ए सी, ए सी का मल्टीप्लाई किया और ए सी का डिवाइड किया, किसी को कोई कन्फ्यूज़न। बी सी अपॉन ए सी इंटू ए सी अपॉन ए डी, प्लस ये जो एफ डी है, ठीक है, एफ डी क्या है बच्चों हमारे पास, ये लेंथ है एफ डी। एफ डी में मैंने डी सी का मल्टीप्लाई किया और डी सी का डिवाइड किया, क्या किया, डी सी का मल्टीप्लाई और डी सी का डिवाइड, किसी को कोई कन्फ्यूज़न। यहाँ पे मैंने ए सी का मल्टीप्लाई किया है, ए सी का डिवाइड किया है, यहाँ पे मैंने डी सी का मल्टीप्लाई किया और डी सी का डिवाइड किया, क्लियर हुआ क्या, बात समझ में आई है। अब देखो बेटा, बी सी अपॉन ए सी, देखो बी सी क्या है, ये है हमारे पास, अपॉन ए सी ये, तो बेसिकली इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता क्या है, साइन अल्फा। तो ये क्या आ गया बच्चा हमारे पास, ये हो गया बेटा हमारे पास साइन अल्फा, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। बी सी अपॉन ए सी क्या हो गया, बी सी परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेन्यूस, ये हो गया साइन अल्फा। अब देखो ए सी, ए सी ये, ए सी अपॉन ए डी, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा, कॉस। एंगल क्या इंक्लूड कर रहा है,
क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस बीटा, क्लियर है क्या। प्लस एफ डी अपॉन डी सी, देखो यहाँ पे एफ डी ए, एफ डी ए डी सी ए, एफ डी क्या हो गया हमारे पास बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है कॉस, एंगल क्या इंक्लूड कर रहा है अल्फा, ये क्या आ गया बच्चा कॉस अल्फा, ठीक है। और फिर हमारे पास देखिए लास्ट क्या है बच्चों, डी सी अपॉन ए डी, डी सी अपॉन ए डी, ठीक है। तो देखिए डी सी अपॉन ए डी इस एंगल के लिए कंसीडर कीजिए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, तो साइन के लिए एंगल क्या आएगा बीटा, ठीक है बेटा। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, क्या ये बात हमें समझ में आई, बोलो बेटा समझ में आया, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी, बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई समझ में आ गया। एक और डेरिवेशन करके दिखाऊं इसी पे कॉस का भी, ठीक है चलिए कॉस का करके दिखाता हूँ। चलिए देखिए कॉस ऑफ सपोज अल्फा प्लस बीटा निकाल लूँ मैं, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस क्या होता है बेटा, देखो एंगल पूरा ही हो गया, कॉस होता है क्या हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अल्फा प्लस बीटा जो एंगल बन रहा है वो इतने में बन रहा है क्या, बोलो भाई बेस हमारे पास क्या है ए, हाइपोटेन्यूस क्या है, तो ये क्या आ गया बच्चा ए ई अपॉन ए डी, ठीक है। अब देखो जो बेटा ए ई पार्ट है, ए ई जो पार्ट है इसको मैं क्या ए बी माइनस ई बी लिख सकता हूँ, ए ई पार्ट को मैं ए बी में से इतना माइनस कर दूँ, वही तो है ए, क्या मैं लिख रहा हूँ ए बी माइनस ई बी, क्लियर है क्या, ए बी माइनस ई बी अपॉन ए डी, अलग अलग डिवाइड कर दो ए बी, क्या बेटा ई बी, सॉरी फॉर दैट, ए बी अपॉन ए डी माइनस ई बी अपॉन ए डी, ठीक है ए बी अपॉन ए डी अपॉन, ठीक है। अब देखो क्या मैं ई बी की जगह एफ सी यूज़ कर सकता हूँ, ई बी और एफ सी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड से बराबर होंगे, तो देखिए ई बी की जगह मैंने क्या यूज़ किया बच्चों एफ सी, क्या हो गया ए बी अपॉन ए डी माइनस एफ सी अपॉन ए डी, क्लियर है क्या, एफ सी अपॉन ए डी। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, ए बी ये आ रहा है, ए डी ये आ रहा है, मैंने पहले वाले एक्सप्रेशन में बेटा ए सी से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, क्या किया ए सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था वही यहाँ पे कर रहे हैं, पहले वाले एक्सप्रेशन में ए सी का मल्टीप्लाई और ए सी का डिवाइड, ठीक है माइनस, दूसरे वाले एक्सप्रेशन में हमने डी सी का मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे भी हम डी सी का ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डी सी का मल्टीप्लाई और डी सी का ही डिवाइड, क्लियर है क्या बेटा। अब ध्यान से देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ ए बी अपॉन ए सी क्या है, देखो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा कॉस, एंगल क्या आएगा ए बी अपॉन ए सी के लिए अल्फा, वेरी गुड, क्या आ गया बेटा ये कॉस अल्फा, ठीक है क्या आ गया बेटा कॉस अल्फा। ए सी अपॉन ए डी, देखो ए सी, ए सी ये आ गया, ए डी आ गया, फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस आया, एंगल कौन सा इंक्लूड हो रहा है बीटा, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन था माइनस आ गया, एफ सी अपॉन डी सी, एफ सी, एफ सी ए और डी सी ए, इसके लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है बेटा साइन, ये एंगल कौन सा इंक्लूड हो रहा है अल्फा, माइनस का क्या आ गया बेटा साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो बेटा इसी तरह से लास्ट एक्सप्रेशन है डी सी अपॉन ए डी, डी सी डी सी डी सी डी सी ये हो गया बेटा ए डी ये हो गया, देखो डी सी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, क्या हो गया ये एंगल कौन सा है बीटा, तो क्या आ जाएगा साइन बीटा। तो हमने यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन बेटा डिराइव कर दिया कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या ये बात बेटा हमें समझ में आ गई,
ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट करिए, दो फॉर्मूले हमने निकाल लिए। ठीक है बेटा, इरेज करो जी। ठीक है, तो आपको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। क्लियर है ना? आपको डेरिवेशन, ये फार्मूला आया कहाँ से निकल के ये मैंने बता दिया है, आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए देखते बेटा। तो हमने पहला फार्मूला बच्चों सीखा, इसमें क्या साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हमने क्या सीखा बच्चों, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा को ए से रिप्लेस कर देता हूँ, बीटा को बी से रिप्लेस कर देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन सिंपल नज़र आए। अल्फा को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, ए से, और बीटा को बी से। तो देखिए बच्चों हमें क्या दिखेगा, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या ये बात समझ में आई हमें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा एक्सप्रेशन बच्चों हमने निकाला, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। क्लियर है क्या, यही दो एक्सप्रेशन हमने निकाले, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी। ठीक है ना, तो वो पहले साइन का ए फिर कॉस का, यहाँ पे कॉस का ए साइन का बी, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन पहले कॉस के और दोनों एक्सप्रेशन फिर साइन के। क्या याद हो जाएंगे हमें फॉर्मूले? ठीक है, अब मेरी बात समझो बेटा। सपोज ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये एक एंगल है, जो बच्चों हमें पता है एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे तो वो पॉजिटिव आता है। कोई एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे तो बच्चों एंगल क्या होगा, नेगेटिव। कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव। क्लियर है क्या, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। एंगल जो होता है आपको ने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में कि एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। अब मुझे बताओ, अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया और अगर थीटा एक्यूट है तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में लाई करने लगा, ये किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट। अच्छा, अब ये बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट होता किसका है, फोर्थ कॉस का होता है, फोर्थ का कॉस और सेक का होता है। अब मेरी बात समझो, अगर कहीं लिखा है साइन ऑफ माइनस थीटा एंड कहीं लिखा है कॉस ऑफ माइनस थीटा, अब बताओ बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है, कॉस का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा। तो ये दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव कॉस थीटा। क्लियर हुआ क्या, मतलब साइन नेगेटिव पचा नहीं पाता है, बाहर उगल देता है, ठीक है, कॉस नेगेटिव पचा ले जाता है। क्लियर है क्या, मतलब कॉस माइनस थर्टी लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थर्टी, लेकिन अगर माइनस साइन माइनस थर्टी लिखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थर्टी। क्या ये बात हमें समझ में आई, मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है साइन ऑफ माइनस 45 दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 45, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस वन बाई रूट टू।
और अगर कहीं पे लिखा हुआ है बेटा cos ऑफ माइनस 45, इट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है बेटा cos 45 दैट विल बी कम टू 1/√2। समझ में आया? साइन नेगेटिव नहीं बचा पाता है, कॉस नेगेटिव बचा ले जाता है, ठीक है ना। मतलब कहने क्या है कि साइन माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, एंड कॉस माइनस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए वापस से क्वेश्चन पे आऊँ मैं। नोट करना है कुछ? ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए जरा ये दोनों एक्सप्रेशन, ठीक है, फिर मैं आ गया हूँ। ठीक है, नोट करो बेटा फटाफट। अब देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें निकालनी है a माइनस बी की वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं, a को a रहने देते हैं, ठीक है, और b को इंटरचेंज कर रहे हैं माइनस बी से, ठीक है। b को किससे इंटरचेंज किया बेटा, माइनस बी से, ठीक है। तो अगर a को a रहने दिया और b को माइनस बी से इंटरचेंज किया, तो देखिए ऊपर क्या हो गया, साइन ऑफ a माइनस बी, b को किससे इंटरचेंज किया, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी, ठीक है। अभी आपने मुझको बोला सर कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये क्या आ गया, साइन ए कॉस बी, और आपने बताया मुझे कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए इंटू माइनस ऑफ साइन बी, क्लियर है क्या? तो ये क्या आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या ये बात हमें समझ में आई? तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 3, ठीक है, क्या हो गया रिजल्ट नंबर 3, क्या ये बात हमें समझ में आई बेटा, बोलो समझ में आया? अब देखो इसमें भी मैंने ए को ए रहने दिया और बी को माइनस बी से चेंज किया, ठीक है। तो ये देखो बेटा क्या आ गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ माइनस बी, क्लियर है बेटे। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बी ये आ गया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, तो क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या ये बात हमें समझ में आई बेटा, बोलो बात समझ में आई? ये आ गया रिजल्ट नंबर 4, क्या ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो रिजल्ट नंबर 3 हो गया हमारे पास, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फोर्थ कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब माइनर सा चेंज क्या है, देखिए साइन के लिए जो साइन है एंगल में वही साइन आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो साइन है यहाँ पे प्लस है तो प्लस आया और माइनस है तो माइनस, ठीक है, ये एक्सप्रेशन वही रहेगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्लियर है क्या? अगर प्लस साइन है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, किसके लिए, साइन के लिए। अगर कॉस होगा, अगर देखिए कॉस ए प्लस बी में क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी में क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन साइन का एक कॉस का था, एक साइन का एक कॉस का था, ठीक है ना, पहले एक पेयर फिर दूसरी बार में दूसरा पेयर, यहाँ पे क्या है, पहले दोनों पेयर कॉस के फिर दोनों पेयर
दोनों पेयर कॉस के दोनों पेयर, यहाँ प्लस लगाए तो यहाँ पे अपोजिट साइन, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे yes, sir. क्या ये बात समझ में आई हमें? yes, क्या हम फॉर्मूला याद रख लेंगे? साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. क्लियर है? कॉस ए कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. क्या ये बात हमें समझ में आ गई बेटे? ठीक है, अब देखिए आप, सपोज इसकी एप्लीकेशन क्या है, हमको इसकी ज़रूरत क्या है. तो ये ठीक है, सीरियल नंबर से आप लिखते रहेंगे, चार नंबर फार्मूला हो गया है. ठीक है, अब बहुत सारे फार्मूले हैं, डेली याद करने हैं आपको, तभी लर्न हो पाएंगे. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे इन द सेंस मतलब अगर मैं नंबर से बात करूँ तो 25-30 तो जाएंगे ही. ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए बेटा, अब मैं बात करता हूँ किसकी एप्लीकेशन पार्ट का. सपोज बच्चों हमसे किसी ने कहा साइन ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन ऑफ 75 डिग्री. क्या हमें 75 की वैल्यू पता है? नहीं. हमें किसकी पता है? 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की. 0, 30, 45, 60 एंड 90, यही वैल्यू हमें पता है. हमें निकालना क्या है? 75. नाउ व्हाट विल वी डू, हम 75 को ब्रेक करेंगे किस में? 45 प्लस 30 में. किस में ब्रेक करेंगे? 45 प्लस 30. अब क्या हमें 45 की वैल्यू पता है? पता है. 30 की वैल्यू पता है? पता है. ये क्या हो गया हमारा ए, और ये क्या हो गया? साइन ए प्लस बी. क्लियर है क्या? और साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. क्या ये बात हमें समझ में आ गई? बोलो भाई. साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2, कॉस 45 इज 1 बाई साइन 30 इज. तो क्या आ गया देखिए डिनोमिनेटर दोनों में, रूट टू आ रहा है प्लस 1/2 रूट 2. ये क्या हो गया बेटा? रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. ये वैल्यू किसकी हो गई? साइन ऑफ 75 डिग्री के. ठीक है, क्लियर है क्या? साइन 75. ठीक है, बोलो. यस सर. बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बताओ बच्चा कि अगर साइन ऑफ 105 डिग्री होता तो हम क्या करते? 105 90 प्लस 15. क्या 15 की वैल्यू तुम्हें पता है? हमें दो ऐसे पेयर्स में ब्रेक करना है जिनकी वैल्यूज हमें पता हो. सोचिए कोई दूसरा पेयर इनकी वैल्यूज हमें पता हो. 60 प्लस 45. वेरी गुड, 60 प्लस 45. देन वी विल ब्रेक इट इनटू 60 प्लस 45. क्लियर है क्या? ठीक है, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी. ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हुआ बेटा? देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. क्लियर है? नाउ साइन 60 का क्या वैल्यू होगा बेटा? रूट 3 बाई 2. साइन कॉस 45 का? कॉस 60 1/2. एंड साइन 45 1/2 रूट 2. तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया? 2 रूट 2. ये क्या आ गया? रूट 3. ये क्या आ गया? 1/2 रूट 2. यही आया बेटे. तो देखिए क्या आ गया? 2 रूट 2 और रूट 3 प्लस 1. ये क्या आ गया? साइन ऑफ 105 डिग्री. एक बच्चे ने बोला कि हमने साइन 75 की वैल्यू निकाली, वो भी सेम है. साइन 105 डिग्री निकाली, वो भी सेम. तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस कथा को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा साइन ऑफ 105 डिग्री क्या होगा. साइन ऑफ 180 माइनस 75. मैंने क्या बताया? अगर बड़ा एंगल है तो हम 90 और 270 यूज़ नहीं करेंगे. हम किस में कन्वर्जन यूज़ करेंगे? 180 या 360 में. तो 180 में कितना माइनस करेंगे? 75. एंगल किस में बड़ा हुआ है? सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन का होता है. साइन उसमें पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा? साइन ऑफ. बात समझ में आ गया क्या? डायरेक्टली क्या आ गया? साइन ऑफ, मतलब साइन 75 इज ऑलवेज इक्वल टू साइन 105. वो तो हमें पता ही है और यहाँ पे हमने देख भी लिया. क्या ये बात हमें समझ में आई? ठीक है, नोट करना है.
करो फटाफट नोट करो यार, साथ में नोट किया करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास सपोज बच्चों बोल रहे हैं हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस, ठीक है, 75 डिग्री। ठीक, तो अभी 75 को हमने ब्रेक किया था, कैसे ब्रेक किया था 75 को? 180 माइनस 75 को दो एक्यूट एंगल के सम में बताओ, 45 प्लस 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ऑफ 45 प्लस 30। क्लियर है क्या? तो ये बेटा देखो कॉस ए प्लस बी बन गया, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस 45 क्या होता है बेटा, 1/√2। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन 30 क्या होता है, 1/2। यहाँ पे देखिए क्या आ गया बच्चों, 2√2, ये आ गया √3 - 1। दिस विल बी आर आंसर। क्या ये बात हमें समझ में आई? बोलो भाई कॉस 75 की वैल्यू समझ में आई? ठीक है, समझ में आया कॉस 75 कैसे निकालेंगे? तो हमने फॉर्मूला लगाया और क्या आ गया यहाँ पे, √3 - 1 अपॉन 2√2 कॉस 75 डिग्री। ठीक है, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, √3 - 1/2। अब सपोज बच्चों हमसे किसी ने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री। क्या बोला बच्चों किसी ने, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू पता करो। अब कॉस 15 डिग्री क्या होगा बच्चों हमारे पास, कॉस 15 डिग्री 15 कैसे लाएंगे, दो एंगल के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से लाओ, दो एक्यूट एंगल के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से लाओ 15 डिग्री, 15 जिनकी वैल्यू तो हमें पता है, तो एडिशन से तो आएगा नहीं, अब सब्ट्रैक्शन पे दिमाग लगाओ, 60 - 45 या 45 - 30 दोनों पे आ जाएगा। अच्छा चेक कर लेते हैं दोनों पे सेम आ रहा है क्या। ठीक है, कॉस ऑफ 60 - 45 और कॉस ऑफ 45 - 30। ठीक है, तो मैं ये वाला पहले फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, 60 - 45। ठीक है, कॉस ए माइनस बी के लिए साइन क्या आता है, प्लस का आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, पहले दोनों टर्म कॉस की आएंगी, क्या आएगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, होगा कि नहीं होगा बेटा। कॉस ए वन कॉस 60 क्या होता है बेटा, 1/2। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 प्लस साइन 60 क्या होता है बेटा, √3/2 एंड साइन 45 क्या होता है बेटा, 1/√2। ये क्या आ गया बेटा, √3 + 1/√2। क्या ये बात हमें समझ में आई? अब आप कहोगे सर ये फिर से देखो साइन 75 के बराबर आ गया, साइन 75 के बराबर आएगा नहीं, तो इसके लिए देखो यहाँ पे कॉस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 - 75 करूँगा, कॉस 90 - θ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और कॉस 90 के साथ है तो ये ट्रांसफॉर्म होगा, कॉस किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, साइन में, क्या आ जाएगा, साइन 75 डिग्री। क्या ये बात हमें समझ में आई? बोलो क्लियर है बेटे? ठीक है, अब आपने बोला भाई सर दूसरा तरीका भी हो सकता है कि कॉस 15 को हम ऐसे ना करके ऐसे करें, कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 45 - 30 डिग्री। बोलो भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये भी तरीका बिल्कुल सही है। तो कॉस 45 - 30 अगर कर रहे हैं तो कॉस ऑफ ए माइनस बी हुआ बेटे, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा,
कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस के लिए साइन क्या आएगा प्लस साइन ए साइन बी क्लियर है क्या। अब देखो बेटा कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 कॉस 30 होता है बेटा √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2 ठीक है तो क्या आ गया √3/√2 प्लस 1/√2 तो ये क्या आ गया फिर से वही आ गया √3 + 1/√2 तो दिस आंसर इज ऑल्सो सेम एज दिस। तो आपको क्या करना है ट्रांसफॉर्मेशन सेम करना है ठीक है ना। अब आपका बस दो वैल्यूज़ बन रही हैं चाहे तीन बन रही हो कितनी बन रही हो हमें तो 15 चाहिए हम चाहे कैसे भी 15 निकाल देंगे। क्लियर हुआ क्या ठीक है नोट करो फटाफट। साइन 15 निकालो फटाफट देखें मैच करता है क्या साइन 15 डिग्री साइन 15 डिग्री देख निकालो फटाफट देखें मैच करता है। सेम है कितना आ रहा है सेम कितना सेम आ रहा है √3 + 1 आएगा √3 - 1 आएगा बेटे ठीक है ना √3 - 1 आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी क्लियर है बोलो भाई ठीक है हो गया ठीक है ठीक है। साइन 15 आपने क्या किया होगा देखो साइन 15 के लिए आपने किया होगा या तो 45 - 30 लगाया होगा या तो 60 - 45 लगाया होगा क्या लगा दूं मैं बताओ चलो 60 - 45 लगा दिया। साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्लियर है क्या बेटा। तो यहाँ पे देखिए साइन 60 क्या होता है बेटा √3/2 कॉस 45 इज 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2 ये क्या हो गया बेटा तो √3/√2 माइनस 1/√2 दैट इज इक्वल्स टू √3 - 1/√2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही कॉस 75 की वैल्यू थी ठीक है क्या क्यों क्योंकि 90 - 75 करेंगे साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा क्लियर है क्या आगे बढ़ें ठीक है आगे बढ़ें ठीक। अब हम डेराइव करते हैं बच्चों फार्मूला टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी के लिए ठीक है ये सबका मैच कर रहा है आंसर यही आ रहा था हाँ भाई तुम्हारा प्लस आ रहा था ना कैसे माइनस आया हाँ थोड़ा समय लेके क्वेश्चन करो जल्दी किस बात की है यार ठीक है मैथ प्रैक्टिस से ही आएगा। चलिए अब साइन के हमने ए प्लस बी के फॉर्मूले पढ़ लिए और ए माइनस बी के फॉर्मूले पढ़ लिए अब हम टेंजेंट के लिए भी यही करते हैं क्लियर है क्या टेंजेंट के ए प्लस बी के फॉर्मूले पढ़ते हैं और ए माइनस बी के लिए फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी अच्छा टेन थीटा क्या होता है बेटा साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं बोलो ठीक है साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ ठीक है साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ठीक है कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्लियर है क्या बेटा। मैंने क्या किया डिवाइड न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ये न्यूमरेटर लिखा है, डिनोमिनेटर लिखा है, क्लियर क्या? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, किससे डिवाइड किया? कॉस ए कॉस बी। इससे कोई क्वेश्चन में फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर भी डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर भी। देखिए क्या आएगा बच्चों, साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है बेटा, देखिए बेटा कॉस बी से कॉस बी गया, ठीक है, कॉस ए से कॉस ए गया, कॉस ए से कॉस ए, कॉस बी से कॉस बी, हमारे पास क्या बचा? देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी अपॉन वन माइनस, ठीक है, साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी। अच्छा साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? टेन होता है, ये क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए, तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, क्लियर है क्या? तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया किसका? टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का, ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये हो गया बच्चों फॉर्मूला नंबर फाइव, क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है, नोट करिए बराबर। हो गया बेटा, हो गया सर, 5 मिनट जरा, हो गया, इरेज करो, ठीक। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ए माइनस बी के लिए सिमिलरली आ जाएगा बच्चों सेम डेरिवेशन। तो टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी, देखिए टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, टेन ए माइनस बी इज टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, क्लियर है क्या? तो आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों, देखिए अगर ए प्लस बी है तो न्यूमरेटर में प्लस साइन आएगा और डिनोमिनेटर में अपोजिट, मतलब जो साइन यहाँ पे है वही सेम साइन न्यूमरेटर में और अपोजिट साइन यहाँ पे, जो साइन यहाँ पे सेम साइन न्यूमरेटर में अपोजिट साइन, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी विल बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस बी एंड टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी विल बी इक्वल टू टेन ऑफ ए माइनस बी, क्लियर है क्या? देखिए बच्चों एन सी आर टी में आपको क्वेश्चन जो करने हैं, क्वेश्चन नंबर वन
लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव। ये फाइव क्वेश्चन करिएगा बच्चों। ये जितना हमने आज पढ़ा है बच्चों, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम कल करेंगे, ठीक है बच्चों। ये पांच क्वेश्चन करके लाइएगा आप लोगों से, ठीक है। 10-15 डिग्री कैसे निकालोगे भाई? 10-15 कैसे निकालोगे? 60-45 से निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 10-15 डिग्री अगर जैसे कि हमें निकालना है, सपोज 10-15 डिग्री, तो हम क्या करेंगे बच्चों? टेंजेंट ऑफ 60-45, क्लियर है क्या? और आप 45-30 भी कर सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? 10A-10B अपॉन 1+10A × 10B। 1060 क्या होता है बच्चों? √3। 1045 1 अपॉन 1+√3 × 1। इट मीन्स हमारा क्या आ गया? √3-1 अपॉन √3+1। बट हमने क्या पढ़ा बच्चों? इरेशनल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो या रेशनलाइज कर दें इसे। रेशनलाइज करेंगे तो √3-1 अपॉन √3-1। तो न्यूमरेटर में देखिए क्या आ गया बच्चों? √3-1 का होल स्क्वायर और a+b × a-b, दैट इज a² - b² दैट इज इक्वल्स टू 3a² + √3 का स्क्वायर 3 प्लस b² - 2ab अपॉन a² - b² 3-1। तो क्या आ गया बच्चों? 4-2√3 अपॉन 2। तो 2 कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करो। 4 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा बच्चों? 2-, क्या ये बात समझ में आई हमें? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1-5 आज के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब नोट कर लीजिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही।